हेलो नमस्ते, मैं बबीता बोल बबीता मैंने एक ही मसाले से आज तीन तरह के स्नैक तैयार करे हैं। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैंने 2 टेबल स्पून धनिया डाला है, एक टेबल स्पून जीरा और 1 टेबल स्पून सौंफ, 8-10 काली मिर्च, चार लौंग। अब इसको अच्छे से थोड़ा सा सेक लेंगे। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा गर्म होने तक ही इनको सेकेंगे। मसाला सिकने लग गया है अच्छे से। अब इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। सेम कढ़ाई में ही 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। ये मैंने एक कटोरी मूंग दाल ली थी जिसको मैंने 3 से 4 घंटे भिगो के रखा। और अब इसको हम कढ़ाई तेल में फ्राई करेंगे ताकि इसका पानी पूरा अच्छे से अब्जॉर्ब सूख जाए और थोड़ी बहुत गल भी जाए। पलटते पलटते इसको अच्छे से सेक लेंगे। थोड़ी देर और सेकेंगे। इसका पानी सूखने लग गया है अच्छे से, थोड़ी पक भी गई है ये दाल। अब इसके अंदर हम कुछ मसाले डालेंगे। देखिए अच्छे से पक गई है ये और पानी पूरा सूख चुका है इनका। फ्राई हो गई दाल अच्छे से तेल में। आधी चम्मच हल्दी डाल रही हूँ मैं इसमें, 1.5 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच कर लेंगे ताकि लाल मिर्च पक जाए। एक टीस्पून इसमें नमक डालेंगे। यह स्वाद अनुसार। अभी जो मैंने मसाला पहले सीखा था उसको मिक्सी में एक बार अच्छे से चन कर लेंगे। मैंने चन कर लिया अच्छे से मिक्सी में इसको। अब इसी के अंदर ये जो दाल फ्राई करी है मैंने, दाल को भी इसमें मिक्सी में ही मसाले के अंदर
चला लेंगे, दरदरा सा इसको पीस लेंगे। देखिए मैंने अच्छे से दरदरा सा इसको पीस लिया है, तैयार हो, मसाला तैयार हो चुका। मसाले को साइड में रख दूंगी। अभी मैंने मैदा लिया है, दो कटोरी मैदा ले रही हूँ। एक टीस्पून नमक डाला, एक चम्मच अजवाइन, एक बड़ा चम्मच ऑयल डाला इसके अंदर मैंने, और इसको अच्छे से रब करके मिक्स कर लेंगे। जब तक मुट्ठी नहीं बन जाए तब तक इसको मैंने टोटल एक बड़ा चम्मच ऑयल डाला है इसके अंदर। अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसकी मुट्ठी अच्छे से बनने लग गई है, बस इतना ही ऑयल डालना था इसमें। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको, न ज़्यादा सॉफ्ट न ज़्यादा टाइट, ऐसा आटा तैयार करेंगे। देखिए आटा मैंने अच्छे से तैयार कर लिया है। अब इसको ढक देंगे 5 मिनट, ताकि ये सूखे नहीं। मैंने एक कटोरी ली, इसमें 2 चम्मच मैदा डाला, थोड़ा पानी डाल के इसका पेस्ट तैयार करेंगे। इतना ही अच्छा गाढ़ा सा घुल तैयार करा है मैंने। और ये इमली की चटनी जो मैंने पहले से बना के रख रखी थी, मैंने अभी इसमें 2 चम्मच ही लिए, ज़रूरत हुई तो और ले लेंगे। ये आटा लिया है, इसका मैं इसके लोई लोई तैयार करके इसको बेलेंगे। रोटी जितना पतला है इसको बेलेंगे। अब इसके चारों तरफ से इसको स्क्वायर शेप कर लेंगे, कट करके।
अब इसको बीच में से कट करेंगे इस तरह, इसकी चार चार स्लाइस करेंगे इसको। अब मैंने ये चटनी लगाई है इस पर, चारों पे इस तरीके से चटनी लगा के अब तो आप सब शायद समझ ही चुके होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ। थोड़ा थोड़ा मसाला इसके अंदर डालेंगे, अब इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसको इस तरीके से इसको चिपका देंगे ताकि ये खुले नहीं तेल में। मैं ये पॉकेट बाकरबड़ी बना रही हूँ, फॉक से इस तरीके से इसके शेप दे देंगे। इस तरीके से सभी को मैंने तैयार कर लिया, कर लूँगी। सारे पॉकेट इस तरीके से तैयार कर लूँगी मैं। मैंने सारे पॉकेट बाखरबड़ी तैयार कर ली है इस तरीके से। अब इनको फ्राई करेंगे। तेल मैंने पहले से ही गरम कर लिया था, बिल्कुल धीमी गैस पे इनको फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम बिल्कुल धीमे भी नहीं करना, मीडियम रखना है। देखिए अच्छे से गोल्डन सिक चुकी है, बिल्कुल अच्छे से गोल्डन कलर आ गया इनके ऊपर। इतनी ही सेकनी है इनको।
फिर से मैं इसको रोटी की तरह ये बेलूंगी। इसको रोटी जितना ही मोटा बेलना है इसको भी। अब इसको भी स्क्वायर शेप दे देंगे। अब इसको बीच में से कट नहीं करेंगे, अभी इसको इमली की चटनी ऐसे लगा देंगे इस तरीके से, और साइडों में नहीं लगानी है इस बिल्कुल भी। ये दाल का मसाला जो मैंने डाला है ये इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा थोड़ा। अब इसको चम्मच से इस तरीके से रब करके इसको, ताकि मसाला अच्छे से इसके अंदर लग जाए। अब इसको बिल्कुल टाइट सा रोल तैयार करेंगे। ये साइडों में मैंने मैदा का जो घोल तैयार करा था वो लगाया, ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। बिल्कुल टाइट रोल तैयार करेंगे इस तरीके से। लास्ट में जो मैदा का घोल लगा है तो उसको अच्छे से चिपका लेंगे इस तरीके से, और फिर इसको दोनों तरफ साइडों में से ही निकाल कट कर लेंगे। छोटे छोटे रोल तैयार करेंगे इस तरीके से। देखिए कितनी छोटी छोटी अच्छी सी सुंदर सी बाकर बड़ी तैयार हुई है राउंड शेप में। इसी तरह बाकी भी तैयार कर लेते हैं। ये मैंने इस तरीके से सारी तैयार कर ली। अब इनको फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही इनको भी फ्राई करना है धीमे धीमे, ताकि अंदर तक पक जाए अच्छे से। देखिए अच्छे से पक रही है, सिक चुकी है, बिल्कुल भी मसाला भी नहीं निकला इनका। बहुत ही टेस्टी बाकरवड़ी बनके तैयार हुई है अच्छी सी। बाकी जो बची इनको भी फ्राई कर लेते हैं। अब मैं बना रही हूँ इसकी छोटी 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 जो मिनी कचौरी हैं, जो 1 महीने तक खा सकते हैं इसी मसाले से। इसके लिए मैंने दो कटोरी मैदा लिया है, 1 चम्मच अजवाइन, 1 टीस्पून नमक,
एक बड़ा चम्मच ऑयल मैंने जिस तरीके से पहले मैदा तैयार करी थी उसी तरीके से अभी मैदा तैयार ये आटा तैयार करेंगे। बस थोड़ा सा इससे उससे थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट तैयार करेंगे कचौरी के लिए। टोटल एक बड़ा चम्मच ऑयल डाला है मैंने दोनों बारी, और थोड़ा थोड़ा आटा पानी डाल के इसका डो तैयार कर लेते हैं। छोटी मिनी कचौरियों के लिए थोड़ा सॉफ्ट आटा तैयार करेंगे। एक साथ पानी नहीं डाले, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही तैयार करना है। इस तरीके से छोटी छोटी लोइयां तैयार करके बेलन से थोड़ा थोड़ा बेल लेंगे इसको पूरी की जैसे छोटी, ताकि भरने में आसानी रहे मसाला। बाकर बड़ी बनाई उसी में वही मसाला इसके अंदर भरेंगे कचौरी में। हाँ, इसके अंदर आप चाट मसाला और हींग भी डाल सकते हैं, मैं डालना भूल गई इसके अंदर। कचौरी में बहुत ही टेस्टी लगेगा हींग और चाट मसाला या अमचूर पाउडर। इस तरीके से छोटी मिनी कचौरियाँ बना के 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी ये। इनको भी बिल्कुल मीडियम गैस पे ही फ्राई करेंगे। सारी कचौरियाँ मैंने तैयार कर ली थी। देखिए अपने में फूल के ऊपर आ गई है कचौरियाँ सब अच्छे से। कचौरियाँ अच्छे से सिक रही है और थोड़ी सी सेकेंगे इनको। गोल्डन कलर आ जाए इनके ऊपर अच्छे से।
हो गए, देखिए बन गए ना, 3 तरीके के स्नैक तैयार हो गए एक ही मसाले से। बार बार मसाला तैयार करने का झंझट भी नहीं रहा और 3 तरीके के स्नैक तैयार हो गए।